सादर नमस्कार। और जो पॉइंट हमें आज मौखिक भाषा विकास दक्षताओं पर मिला है उस पर पहली बात तो यह है कि जब भी मौखिक भाषा विकास की बात आती है तो बालक सबसे पहले मौखिक भाषा में वर्ण और अक्षरों की पहचान करनी सीखता है। वर्ण और अक्षरों को बोल करके वो सीखता है और यहाँ वर्ण और अक्षरों को बोलकर सीख रहा होता है तो वो शुद्ध उच्चारण की तरफ बढ़ रहा होता है। दूसरी बात मैं कहूँ तो शुद्ध उच्चारण अगर कहीं बालक गलत उच्चारण कर रहा है तो एक अध्यापक की प्राथमिक ड्यूटी है कि वह उस बच्चे के सामने शुद्ध उच्चारण कक्षा कक्ष में बताए ताकि बालक त्वरित ही शुद्ध उच्चारण करना सीख सके और उसकी अभिव्यक्ति का अभ्यास शुद्ध उच्चारण का अभ्यास एक या दो बार कक्षा कक्ष में पुनरावृत्ति के तौर पर करें। और तीसरी जो बात है कि बच्चे के शब्द को उसमें वृद्धि होगी जैसे जैसे बालक पहली क्लास से दूसरी क्लास तीसरी चौथी पांचवी में बढ़ता है और उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है तो उसके शब्द कोश में वृद्धि होती चली जाती है अर्थात बच्चे का जो एनसाइक्लोपीडिया का शब्द कोश है वो विस्तृत होता चला जाता है। उसके बाद बात आती है कि बालक में हिचकिचाहट जब बच्चे को मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर मिला जाता है तो उसकी हिचकिचाहट खत्म हो जाती है अर्थात बालक स्वच्छंद रूप से बोलने में अपने आप को सक्षम करने लगता है और बालक की जब हिचकिचाहट दूर होती है तो बालक कई बार आप देखते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी अभिव्यक्ति करते हैं वो मौखिक भाषा विकास के कारण ही है क्योंकि उनकी मौखिक भाषा का विकास बहुत अच्छे से हो चुका होता है। उसके बाद है लयात्मक अभिव्यक्ति। आप मौखिक भाषा के विकास में कविता के रोल को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि कविता का जो रोल है जो राइम्स पोएम्स लयात्मक अभिव्यक्ति लयात्मक अभिव्यक्ति की जब बात आती है तो कविता के माध्यम से आती है कि हम बच्चे को कविता जब सुना रहे होते तो बच्चा रट जरूर रहा होता लेकिन उसके बाद में समझ के उसको लयात्मक रूप में अभिव्यक्त करता है कक्षा कक्ष में चाहे वो दोहे हो चौथी पांचवी क्लास में जब आता है तो वह दोहे तक लयात्मक रूप से बोलने लगता है। जैसे हम कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या हम बोलते हैं पेड़ पे बंदर बैठा है पेड़ पे बंदर बैठा है या बोलते हैं दो चूहे थे मोटे मोटे थे कूद रहे थे नाच रहे थे बिल्ली बोली मैं आऊं चूहा बोला ना बाबा ना क्यों मुझे मार डालोगी मुझे काट डालो। बच्चा ऑटोमेटिक ही लयात्मक रूप में अभिव्यक्ति करना सीख जाता है। और बड़ी बात जो लास्ट की है कि निश्चित ही जब कक्षा चौथी और पांचवी में आता है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास जब उसमें प्रफुल्लित होने लगता है तो निश्चित ही वह तर्क वितर्क करने की शुरुआत कर चुका होता है। क्यों कहां कब कैसे के जो प्रश्न हैं उनका जन्म उसके माइंड में हो चुका होता है और जब हम उसको सोचने का चिंतन का अवसर देते हैं तो एक नया विचार आता है। तो साथियों जो मौखिक भाषा के विकास दक्षताएं थी छह पॉइंट थे वो आपके साथ साझा